फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेगूसराय कोर्ट के द्वारा फिल्म निर्माता एकता कपूर को 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है। फिल्म निर्माता पर भारतीय सेना के जवानों और उसकी पत्नी पर आपत्तिजनक सीरीज बनाने का आरोप है। बेगूसराय की अदालत के न्यायाधीश राजीव कुमार ने बरौनी थाना के सिमरिया आदर्श ग्राम निवासी भूतपूर्व सैनिक परिवादी शंभू कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए 3X सीरीज सीजन 2 के प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर गंभीर धाराओं में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। मामला है, हमने एक इन्होंने शोभा कपूर और एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें सैनिक जो बॉर्डर पे रहते हैं या देश की सेवा कर रहे होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उनके पत्नी के बारे में इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई जिसमें बहुत ही गलत तरीके से उनके पत्नी के चरित्र को दिखाया गया कि जब सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं तो उनका पत्नी यहाँ पे गैर मर्दों के साथ अनैतिक संबंध के बारे में उसमें दिखाया गया है। इस तरह से उन्होंने सैनिक के पत्नी को, परिवार को दिखाया या कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और इसी से हम लोग आहत होके कि देश की रक्षा और देश की सेवा हम लोग कर रहे होते और ये फिल्म एक्टर अपने पैसा के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, तो इसीलिए हमने उन पे केस किया है और पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए मैं जज साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए और उन्होंने 8 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बालाजी फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारतीय सेना के कार्यरत सैनिक और उनकी पत्नी के चरित्र पर गलत ढंग से कहानी को फिल्माया है, जिसे परिवादी समेत अन्य भूतपूर्व सैनिक को काफी अपमान और लज्जा का सामना करना पड़ रहा है। 2020 के जून महीने का यह मामला था जब 3X सीजन 2 का वेब सीरीज एकता कपूर और शोभा कपूर के जो अपने होम प्रोडक्शन है उसके द्वारा इस सीरीज को टीवी पे दिखाया गया जिसमें सैनिकों की वाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और बताया गया कि जब ये लोग सीमा पे जाते हैं तो इनकी पत्नी इनके कपड़े दूसरे मर्दों को डलवा के उनके साथ अवैध संबंध बनाती है, और उसका कहने का यह तात्पर्य था कि सैनिक जो अपनी सीमा पर काम करते हैं इनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहता है। इस बिंदु पे बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ वो सीरीज वेब सीरीज 3X सीजन 2 निकला था। इसके बाद जितने भी भूतपूर्व सैनिक और सैनिक हैं उनके मन में एक आक्रोश आ गया था। उसी कड़ी में हमारे भूतपूर्व सैनिक शंभू कुमार ने 6 जून 2020 को ये परिवाद श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया था, जहाँ से वो 192 CRPC के तहत श्री राजीव कुमार के कोर्ट में स्थानांतरित होकर उसमें धारा 500 और 504 में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उन जो प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ ये केस को न्यायालय ने पाया है। कोर्ट ने इस मामले को सत्य पाते हुए जो भी अभियुक्त हैं इसमें एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को न्यायालय में उपस्थित होने का एक सम्मन जारी किया है धारा 500 और धारा 504 के तहत, जिसमें 8 नियत है 8 फरवरी। इस मामले में परिवादी शंभू कुमार के अलावा भूतपूर्व सैनिक राजाराम पोद्दार और अरुण कुमार सिंह ने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गवाही दी, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के तहत संज्ञान लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।